दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा YouTube चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने कल का इंटरडे में का ट्रेड सेटअप हो सकता है, इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप फॉर टुमारो। मैंने इसमें मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग एंजल ब्रोकिंग में ज्वाइन होना चाहता है तो आप लोग मेरा ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंजल ब्रोकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, अपस्टॉक्स, ये सब में आप लोग आसानी से ज्वाइन हो सकता है। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंटरडे, हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल लेवल्स, एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल, इसके अलावा फिबोनाची लेवल्स, बीडब्ल्यूएफी स्ट्रेटजी, एंकर बीडब्ल्यू, बहुत सारा चीज़ आप लोग को एडुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस मिल जाएगा। तो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखिए, मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है, वो भी आप लोग जरूर देखिए, तो इसमें आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। तो और मेरा सोशल मीडिया साइट्स में भी जान कीजिए। तो देखते हैं, मैंने इसका कल का जो पहले स्टॉक्स चुना हो, मैंने तीनों लेवल दिखाऊंगा, 360 डिग्री प्राइस एनालिसिस, फिबोनाची लेवल्स और गन लेवल्स बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी। फिबोनाची लेवल्स बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी, गन लेवल्स बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी। तो पहले मैंने 360 प्राइस एनालिसिस दिखाऊंगा। तो 360 प्राइस एनालिसिस के अंदर तीनों साइकिल रहता है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, और एक साइकिल में अपसाइड और डाउनसाइड रहता है। तो मैंने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी दिखा दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी वाला टुमारोज निफ्टी बैंक एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस, उस वीडियो आप लोग देख लीजिए। इसमें ये लेवल देखा दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो दिखाऊंगा लेवल, उसमें ये लेवल नहीं दिखाऊंगा, उसका 580 और गन लेवल्स दिखा दूंगा। तो इधर देखिए, इधर 360 प्राइस एनालिसिस, ये देखिए 45 डिग्री से शुरू होकर 360 तक एक लेवल है, कौन सा लेवल पे है, मार्केट ओपन होने के पहले और मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है, जब उसका नेक्स्ट लेवल जाएगा तो 460 सोच लीजिए, 459 और 463 का बीच में है, तो 463 क्रॉस होने के बाद ट्रेड लेना है। और सोच लीजिए 465 हाई मार के नीचे आ गया है, तो उसके बाद फिर से जब 459 या नेक्स्ट लेवल जब क्रॉस करेगा तो आप ट्रेड लेना है। तो ऐसे करके आप लोग ट्रेड्स ले सकते हैं। किसी क्लैरिफिकेशन का जरूरत होता होगा तो मेरे को यूट्यूब का वीडियो में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। ये है फर्स्ट साइकिल, यह सेकंड साइकिल, मान लो फर्स्ट साइकिल का रेंज अप का बाहर हो जाएगा तो गैप अप गैप डाउन में, और मार्केट आवर्स हैं, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स जब ये रेंज का बाहर हो जाएगा तो आप लोग नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं। आप लोग कोई भी एक लेवल फॉलो कर सकता है, फिबोनाची लेवल्स, गन लेवल्स या 360 डिग्री, फिबोनाची और गन लेवल्स फॉलो कर सकता है। हो सकता है कि उसका रेंज का बाहर हो जाएगा तो आप लोग 360 के एनालिसिस में आप लोग को कोई ना कोई उस लेवल आप लोग को मिल जाएगा। तो इधर देखिए फिबोनाची लेवल, बाई एंट्री लेवल, ठीक है, ये है बाई एंट्री लेवल और ये है सेल एंट्री लेवल। उसके बाद R1, R2, ये सब आपस साइड का टारगेट है और नीचे का टारगेट ये है S1, S2, S3 है, ठीक है। और इसके बाद इसका मैंने गन लेवल दिखाऊंगा 12.5 से 360 डिग्री तक, ये 12.5 से 360 डिग्री तक, ठीक है, 12.5 से 360 डिग्री तक, 12.5 से 360 डिग्री तक, और इसका तो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा नहीं, सॉरी, हाँ, इसका निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखा देता हूँ। इधर फिबोनाची लेवल्स और गन लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स और गन लेवल्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का 360 की फिबोनाची लेवल्स और गन लेवल्स, ये बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी है फिबोनाची लेवल्स। इसका वीडियो भी आप लोग को दिया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद बना सकता है। गन लेवल्स दिया नहीं है, लेकिन गन टाइम स्पाइस स्क्वायर कैलकुलेट करने का ऐसे ही कैलकुलेटर चला के कैलकुलेट करने के लिए मैंने दिखा दिया है। बहुत सारा वीडियोस है, आप लोग देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन विद गन डायनेमिक गन लेवल्स, हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन डायनेमिक फिबोनाची लेवल्स, सो बहुत सारा चीज़ मेरा यूट्यूब वीडियो में आप लोग देख सकेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बहुत सारा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। अच्छा, और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, ये बैंक से लेवल्स देता हूँ और लाइव मार्केट में ट्रेडिंग दिखाता हूँ, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स देता हूँ, ये सब नोटिफिकेशन भी आप लोग मिल जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो।
अच्छा, मैंने कुछ फ्यूचर्स का लेवल्स दिखा देता हूँ। इसका कुछ मतलब स्क्रीनिंग नहीं करता हूँ, ऐसे ही दिखा देता हूँ। फिबोनाची लेवल्स और फिबोनाची का लेवल्स दिखा देता हूँ। ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है, ये सब उन लेवल्स आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। इसका लेवल्स आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है। अच्छा, कमोडिटी का जो है, कमोडिटी का मार्केट तो खत्म होने के रात हो जाता है, तो इसलिए मैंने कमोडिटी का पोजिशनल व्यू देता हूँ। और जो लोग मेरा व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक फेसबुक पे में है, तो उन लोग का मैंने रात में अपडेट करके उन लोग को स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, उन लोग उधर पोस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप, ट्विटर और सब ग्रुप ट्विटर में ज्वाइन हो सकता है, तो जो लोग कमोडिटी में इंटरेस्ट है उन लोग को उसका मिल जाएगा। तो इसका मैंने पोजिशनल व्यू दूंगा, 7 दिन का हिसाब से, 3 दिन का हिसाब से, 5 दिन का हिसाब से, 2 दिन का हिसाब से, 15 दिन का हिसाब से, 30 दिन का हिसाब से दे दूंगा। आप लोग 2 दिन का हिसाब से जो पैसा लेवल है उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखेंगे, उसका लेवल आएगा तो ट्रेड कर सका। और ये सब लंबा वाला जो पोजिशनल व्यू है इसका आएगा तो और भी अच्छा है, तो इसमें आप लोग को और भी अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। तो मेरा आप लोग पिछले वाला वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके बाद आज का मार्केट ऑब्जर्व कर सकता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से ये काम करता है, कहाँ गया, कमोडिटी। हाँ, ये है फिबोन, देखिए फिबोनाची 5/7 7 days, ठीक है। T1 T2 ये सेल साइड 7 days, ठीक है। इसके बाद 5 days का हिसाब से, ठीक है। इसके बाद 3 days का हिसाब से, इसके बाद 2 days का हिसाब से ये ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक है। बाई सेल दोनों ही दिखा रहा है, 1 days का नहीं रखेंगे, वो गलत होगा क्योंकि वो काल का है। और ये फिबोनाची लेवल 15 days का हिसाब से और 30 days का हिसाब से। अच्छा, मैंने इस बार 100 day EMA स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, आप लोग को और भी कुछ स्टॉक्स मिल जाएगा। मैंने जो 4 स्टॉक दिखाया उसका और भी स्टॉक्स मिल जाएगा। 100 day moving average strategy ये है कि आज का डेली कैंडल को, जिस जिस स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 day moving average काट किया है, तो उसका हाई लो जब कल ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो ये देखिए, इसमें एशियन पेंट में काट किया है, तो और बजाज फिनांस, बजाज फिनसर में किया है, और बजाज फिनांस फिनसर में किया है, वर्चर पेंट में किया है, भारत फर्ज में किया है, और चोला फिन में किया है, डाबर में किया है, ये सब में किया है। इसमें से आप लोग को कुछ स्टॉक्स मिलेगा, इसमें आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है। उसके बाद इनसाइड द वर्ल्ड NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ, उसमें भी आप लोग को बहुत सारा स्टॉक्स मिल जाएगा। तो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे ये फ्री मिल जाएगा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन रहेगा कोई हर रोज़ देने के लिए। तो इंसर्ट द वर्ड NR4 NR7 मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये देखिए इंसर्ट द वर्ड अपोलो हॉस्पिटल में NR4 NR7 बना है, एक्सिस बैंक का इनसाइड द वार NR4 NR7 बना है 1 day का हिसाब से, और बड़ा बैंक बड़ौदा में बना है, ठीक है। और इधर सिप्ला में बना है, इधर डाबर डिवी स्लैब में इनसाइड द वार बना है, DLF में NR4 NR7 हुआ है, ठीक है। और नहीं दिखाता हूँ, और भी बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इधर जो लोग मेरा सर्विस लेंगे, कॉल सर्विस लेंगे, इसका पूरा मैंने अपडेट करूँगा, एंड ऑफ द डे पूरा फाइल दे दूँगा, और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट करूँगा। देखिए हायर है, हायर लॉस और लोअर लाइन लोअर लॉस लगातार 3 दिन से बना है कि नहीं बना है, एक बार देख लेते हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हायर है हायर लॉस, लोअर है लोअर लॉस, दिखाई नहीं दे रहा है, ओके कोई बात नहीं। इसके बाद और कुछ कैंडलस्टिक बना है क्या, नहीं देखते हैं। पॉजिटिव हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर कुछ बना है, हाँ इधर हैंगिंग मैन बना है एशियन पेंट में, एशियन पेंट में। इसके बाद और मन्नापुरम में, ठीक है मन्नापुरम, और इधर पावर ग्रिड में बना है, और इधर TCS में बना है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। और अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है,
इधर मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट आप लोग देख सकता है। मास्टर लॉन्ग का जब हाई ब्रेक करेगा तो आप लोग आसानी से प्रॉफिट होगा, ये सब देख सकते हैं आप लोग। इधर स्टॉक्स अदानी एंड अमराजा बैटरी, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर, अशोक लेलैंड, ठीक है, बाटा इंडिया, बेल, वर्जर पेंट, इसमें कोई भी स्टॉक। और मास्टर शॉर्ट का जब लो ब्रेक करेगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। मास्टर शॉर्ट क्या क्या निकाला है एक बार देखते हैं। देखिए आप लोग को जो ट्रू दिखेगा इसमें, ये सब जो स्टॉक्स टू दिखता है उसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। इसका इसके बाद और भी लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक, लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक, लॉन्ग बॉडी लॉन्ग टेल, ये देखिए आप लोग हीरो मोटो में बना है, ठीक है। और इस इन ये सब IDFC फर्स्ट, ठीक है, ग्रेवस्टोन दोजी, बहुत सारा चीज़ इधर बना हुआ है। आप लोगों को बहुत सारा स्टॉक्स का मूल्य मिल जाएगा जो वॉच रख सकता है और उसमें ट्रेड भी ले सकता है। बियरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, ये देखिए इधर बियरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, डार्क क्लाउड कवर कुछ बना है, यानी कि बुलिश हरामी, ये बियरिश हरामी, बुलिश हरामी, बुलिश हरामी, सर ये डार्क क्लाउड कवर। आप लोग स्टॉक्स का नाम नोट कर सकता है होपफुली। और ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है। एक्सिस बैंक दिखा रहा है और भी दिखा रहा होगा, ICICI बैंक इधर से, रैमको सेम, ठीक है। इसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप लोग देख सकता है, फ्लैग पैटर्न कुछ बना है क्या नहीं बना है देखता है। फ्लैग पैटर्न कुछ दिखाई नहीं देता है, डबल पैटर्न, डबल डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब अभी सभी में सभी समय नहीं दिखता है, कुछ कुछ देख सकता है। देखिए बिरान बियरिश अबंडेंट वेवी, मतलब गैप अप और ये गैप डाउन, ये सब आप लोग देख सकते हैं। बटरफ्लाई पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न कुछ बना है क्या एक बार देखते हैं, ये बना है। और ये सब पैटर्न भी कुछ 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 बना होगा। अभी यार मैंने वीडियो लंबा नहीं करूँगा तो इधर ही ख़त्म करता।